आज मैं आपको फ्रिंज कट बताऊंगी फ्रंट से। यहाँ से ऐसे साइड पार्टिंग निकालेंगे, आपको पार्टिंग इधर की शूट करती है तो इधर से निकालेंगे, जहाँ से आपको शूट करती है वैसे ही निकालेंगे। मैं इधर से इधर तक बांध लूंगी उनके। ये देखिए इस तरीके से बाल निकालेंगे हम, आईब्रोज के इधर से और साइड पार्टिंग के इधर तक। यहाँ से बाल निकालने के बाद हम इनको गीला करेंगे, अच्छे से स्प्रे करेंगे, थोड़ा सा स्प्रे करने के बाद हम अच्छे से कॉम करेंगे। लेंथ कस्टमर पे डिपेंड करती है कि आप कितनी लोगे। अगर ज़्यादा शॉर्ट करानी है तो आईब्रोज एरिया से लोगे, थोड़ी लॉन्ग करानी है तो नोज एरिया से लोगे, या उससे थोड़ी लेंथ लंबी चाहिए तो आप लिप एरिया से लोगे, या फिर आपको पूरा ज़्यादा लंबा रखना है तो चिन पर। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इससे अच्छा हम इस तरीके से लेंगे और इस पार्टीशन को इस तरह से पकड़ेंगे। करने के बाद मैं नोज एरिया से रख रही हूँ, अगर बड़ी लगी तो थोड़ा बाद में कट करेंगे। इस तरह से कट करोगे आप, हल्का सा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट करके हल्का हल्का। इसको दोबारा से देखेंगे आप, इसमें हल्का 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 इस तरीके से कट भी दे सकते हैं ताकि एक साथ बाल ना लगे, हल्का हल्का बड़ा छोटा ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी कटिंग, देखिए ये हमारा इस तरह से आएगा कट। आप अगर इसे शॉर्ट लोगे तो शॉर्ट भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, इतना शॉर्ट भी ले सकते हो। मैंने अभी इनका थोड़ा लॉन्ग रखा है ताकि इनका यहाँ से इस तरीके से हम पफ बनाएंगे तो पफ में भी आराम से आ जाएगा। देखिए ये हमारा हो गया फ्रेंच कट। आप इसको छोटा कर सकते हो जितना करना चाहें। ओके, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।